नाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। तो इसी गीत से आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये खूबसूरत रचना जो रविंद्र जैन जी ने संगीतबद्ध की, और इसकी विशेष बात यह है कि ये राग चारुकेशी में है, और चारुकेशी का इतना खूबसूरत और अच्छा प्रयोग हमारे फिल्म जगत में संगीतकारों ने किया, और बहुत अच्छे अच्छे गीत इसी राग पर आधारित हैं। और इस तरह से इन गीतों के माध्यम से हम इस राग को अच्छे से समझ सकते हैं, और समझ सकते हैं कि किस तरह से राग पर आधारित करके ये कंपोजिशनें की गई। तो देखिए इस राग में धा और नी को मद सा रे गा मा पा, रे भी शुद्ध है और गा भी शुद्ध है, सा रे गा मा पा धा, धा को मल, नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा नी दा सा, ये नी और धा हमने लगाए हैं मंद्र सप्तक के, धा देखिए इस राग को गाते गाते ही पता लगता है कि इसमें कितनी रचनाएं हो सकती हैं। अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहां आवाज दे तुमको कहां हो, अकेले गा मा 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 पा दा 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 पा दा मा पा गा मा दा पा मा गा रे सा नी दा सा। देखिए कितनी सुंदर रचना, स्वयं जब हम इस राग को गुनगुनाते हैं, बेदर्दी बाल मा तुझको मेरा मन याद करता है, गा मा धा दा पा मा 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 पा गा रे। तो इस तरह से हम इस राग को अच्छे से सीख सकते हैं, और धैवत बड़ी खूबसूरती से कोमल धा बड़ी खूबसूरती से हम इस में संगीत की रचनाओं में लगाते हैं, धा प म आ रे बयाना धरो। तो इसमें मंद्र सप्तक का धा और नी इसको कितनी खूबसूरती से इस कंपोजिशन में लगाया गया है, आप सुन करके समझ सकते हैं। बैया वो कंपोजिशन है गंधार से शुरू हो रही थी, और धैवत ये सीधे सा से ही सा ने सा ब
बैयाना मध्यम तक गए हम, बैयाना धरो ओ बलमा, बैयाना धरो ओ बलमा, ना करो मुसेरा तो इस तरह से फिल्मी गीतों से हम समझ सकते हैं कि राग को किस तरह से उसका प्रयोग किया गया है गानों में। कैसे इन फिल्मी सॉन्ग्स के माध्यम से हम किस किस तरह से स्वर प्रयोग किए गए और कैसे कैसे कंपोजिशन की, और हम राग का भी एक पूरा जो असर है, जो उसका फ्लेवर है, उसको समझ पाते हैं और समझ जाते हैं गाना सुनते ही कि ये गाना फला राग में हो सकता है और इसमें ये स्वर लगे हैं। और जितनी इस चीज़ की समझ होगी, हम उस राग पर, उन गानों पर अच्छे से रियाज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ मंद्र सप्तक के स्वर लग रहे हैं, कहाँ मध्य सप्तक के स्वर लग रहे हैं, कहाँ पर हमारा बेस आवाज़ का अच्छा आना चाहिए, और हमें एक्यूरेट सुर किस तरह से लगाना है किसी भी गाने में। तो देखिए, अभी कुछ सॉन्ग्स हम और ले रहे हैं इसी राग में, चारुकेसी में। मेघारे 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 मेघारे, देखिए तो ये तार सप्तक का सा हो गया। आ, 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 मेघारे 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 मेघारे, मत परदेश जा रे, आज तू प्रेम का संदेश बरसारे बरसारे। मेघारे मेघारे, तो हम अपने, जब हमें समझ होगी कि हम इस राग में बढ़त कर रहे हैं, तो उसमें फिर हम अच्छे से रियाज भी कर सकते हैं और सॉन्ग से समझ भी सकते हैं। अब आपने हमिंग से समझा होगा कि कौन सा गाना हो सकता है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। तो देखिए, पंचम, धैवत और मध्यम में कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन स्वरों का बनाया संगीतकार ने। पादा बामा गा, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। तो देखिए, स्वरों को कैसे मध्यम से अंतरा मा स्वर, मध्यम स्वर से शुरू किया गया। कोई शर्त होती निषाद नहीं प्यार में, तो अब ये देखें कि हम इसमें कौन से स्वर पे आके रुक रहे हैं।
कोमल ऋषभ पर, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नर रे नर ना। तो देखिए इसी तरह से अनेक अनेक सॉन्ग्स में हम देख सकते हैं कि कोई कंपोजिशन पंचम से शुरू हो रही है, कोई कंपोजिशन मंद्र सप्तक के नी से शुरू हो रही है। तो अलग अलग ढंग से किस तरह से हम स्वरों का चुनाव करके अच्छी कंपोजिशन भी किसी राग में कर सकते हैं, उस राग को समझ सकते हैं और उस राग में रियाज करके और उन गानों को हम और भी अच्छे ढंग से अदा कर सकते हैं। तो देखिए एक सॉन्ग है, चलो सजना, तो देखिए पंचम से, चलो सजना जहां तक घटा चले, लगा कर मुझे गले, चलो सजना जहां तक घटा चले, गा गा मा 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 पा धा 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 पा पा मा मा गा तेरे नैना क्यों भर आए। तो देखिए सीधे मंत्र सप्तक में तेरे गंधार से कंपोजिशन शुरू हो रही है, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, और ऐसी एक शंकर भगवान के कुछ बोल हमने इसी राग में रचना की। जय शंकर कैलाशपति प्रभु पूर्ण ब्रह्म सदा विनाशी, ब्रह्मानंद करो करुणा प्रभु, भव भंजन भंजन सुख राशि। तो देखिए ऐसे फिर आलाप करके हम उस राग को और भी अच्छा बना सकते हैं। ग म प ग म ब द प द म प ग म द प म ग रे ना। कितनी संभावनाएं और कितना स्कोप बन सकता है अगर हम किसी एक राग को बैठ करके उसके स्वरों में ध्यान लगाएं, एक एक स्वर पर कुछ अलंकार बनाएं, कुछ उसमें क्रिएटिविटी करें, तो हम कितना वर्क कर सकते हैं ये हमारे समझ आता है जब हम कंसंट्रेट हो करके और बड़े आनंद के साथ रियाज करते हैं, किसी एक राग पर फोकस होते हैं। अब देखिए इसमें एक राग को लेकर के उसमें अनेक गीत हमने चुने, जिससे कि एक ओवरऑल कंसेप्ट उस राग के बारे में हमारे जहन में डेवलप हो जाए। तो जब हमें वो समझ आएगा तो उसमें हम कुछ अलंकार भी कर सकते हैं, कुछ अच्छे अच्छे आलाप कर सकते हैं, उसके अंदर कंपोजिशन कर सकते हैं और जो गीत अच्छे कंपोज्ड हैं उन्हें एक अच्छे ढंग से अदा कर सकते हैं। तो ये राग का सीखना, राग का समझना, ये अपने आप में एक सिस्टम से जुड़ना है। जब हम सिस्टम से जुड़ते हैं तो परमात्मा की कृपा हम पे होने लगती है और हम जो हमारा क्रिएटिविटी वाला जो माइंड है वो डेवलप होने लगता है और हम फिर उस राग को समझ करके
कुछ उसमें अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए संगीत के सभी साधकों को ये समझना कि हम अपने वोकल्स को, अपने गायन को कैसे एनहेंस कर सकते हैं। जैसे इसमें मंद्र सप्तक में नी धा सा, धा नी से सा तक पहुंचना, तो ये नी धा के मंद्र सप्तक के स्वर हैं, इनके ऊपर हम फोकस करके, खरज का रियाज करके, इसमें अच्छा आलाप करके और अच्छा गायन कर सकते हैं। मैं देखिए थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ हारमोनियम पे। अब ये मंत्र सप्तक का पंचम हो गया। तो इस तरह से स्वरों में एक ठहराव लाना, अपने मन को शांत करना और उसको स्वरों के ऊपर फोकस करके और आनंद के साथ रियाज करते जाना। ये गंधार है। जिस स्वर पे हम रुकते हैं उसको संगीत की भाषा में बोलते हैं न्यास, कि उस स्वर के ऊपर हमने ठहर के फिर थोड़ा क्रिएशन की। तो हम जैसे गंधार के ऊपर आकर के रुके, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तो अब हमें देखना है कि हमने किन किन स्वरों के ऊपर कण लगाया और कैसे इस कंपोजिशन को अच्छे से गाने की कोशिश की। तेरी उम्मीद सा गा मा पा, तेरी उम्मीद, यहाँ पे इस स्वर पे पंचम पे आके हमने स्टे किया, यहाँ पर आकर के हम रुके। तेरी उम्मीद तेरा, पासे पासे मा पर, पा मा मा गा गा मा पा दा पा पा मा गा मा पा आ पा दा मा पा गा मा पा पा दा दा मा पा पा गा मा तेरी उम्मीद तेरा। पंचम से हम मध्यम पे आए, उम्मीद ते, यहाँ पे हमने कण का प्रयोग किया। तेरी उम्मीद तेरा, पा 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 मामा पा 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 मामा ते तेरा, ये कण तेरा। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, ऐसनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। तो इस तरह से चारों केसी में हम अच्छे से काम कर सकते हैं।
अब ये एक कंपोजिशन है, इसमें देखिए आप गंधार को कोमल कर दिया है और बाकी एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। अनेक अनेक गीत हम उनकी उनके फ्लेवर को समझ के उसमें कौन से स्वर यूज़ किए गए, उनको किस खूबसूरती से अदा किया गया, कैसे कंपोजिशन की गई, कैसे उसमें वर्क किया गया, उसकी गहराइयों में जा करके अगर हम समझ के अपने संगीत का रियाज करें तो निश्चित ही हमें उपलब्धियां अवश्य ही मिलेंगी। और इसके लिए एक पेशेंस, ठहराव कि जब हम रियाज करें तो उसमें हमारी कोई अशुद्धि ना रहे और हमारा मन किसी तरह से अशुद्ध ना हो। जैसे देखिए जब भी हम रियाज करते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत आने लगता है कि भाई हम कुछ अच्छा रियाज करें, फिर हमें कुछ स्टेज मिलेगी, फिर हम वहाँ परफॉर्म करें, लोग हमारा नाम होगा, लोग हमें पहचानेंगे। तो आप देखिए भगवान कृष्ण ने भी यही लिखा कि हम लोग जितना फल के ऊपर ध्यान देंगे, जितना भी रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे, तो हमारे जो कर्म की गुणवत्ता है, जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता घट जाती है। यानी रियाज का ये सबसे बड़ा सोचने की बात है और सबसे बड़ा फॉर्मूला मैं समझता हूँ माना जा सकता है कि जब हम रियाज करें तो उस टाइम कोई हमारे माइंड में किसी तरह की इच्छाएं ना हो कि हम अब रियाज कर रहे हैं और हमारा गाना ऐसा हो जाएगा ये। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो रियाज में जो मन है वो पूर्ण रूप से नहीं लग पाता। तो इसका सूत्र यही है कि जब हम रियाज करें, जिस वक्त हम रियाज करें तो हम अंदर से शांत हों, जिससे कि जो तानपुरा है, उसके स्वर हैं, वो किन स्वरों में मिला हुआ है। हम बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, कई दफा पता लगा कि तानपुरा सा और पा पे मिला हुआ है और हमने बैठ करके पूरा राग मालकोंस जो है वो गा दिया। तो बताइए कि कितनी बड़ी भूल आपने कर दी कि जो तानपुरा है वो सा और पा पे मिला हुआ है और पा उसमें विकृत स्वर है, मतलब पा का यूज ही नहीं होता उस राग में। मध्यम सागा माधा नीसा, मतलब उस राग में पंचम वर्जित है। और हम जो एटमी स्वर बना के बैठे हैं उसमें पहली तानपुरा हमने पंचम से मिला लिया है, तो हम वो मालकोंस कैसे गा सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को कितना अटेंटिव रहने की जरूरत है, कितना अटेंटिव होना चाहिए। सफलताएं तभी मिलती हैं जब मन शांत हो, हर चीज को समझा जा सके, हम जो राग गा रहे हैं हमारा तानपुरा उसके हिसाब से सही ट्यून्ड हो, कि जिसमें वो स्वर लगते हैं उसी तरह से उसकी ट्यूनिंग की जाए। फिर तबले की चाटी है, कई दफा पता लगा तबला किसी और स्वर पे बोल रहा है और आप कितना भी अच्छा गा लीजिए, कितना भी करिए, लेकिन अगर आपका तबला ठीक से ट्यून नहीं है तो आपका जो गायन है वो इफेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हिंड्रेंस पहले ही आ गई, आप उस माहौल को ही क्रिएट नहीं कर पाए। तो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अपनी बुद्धि लगा करके जब भी परफॉर्म करें, चाहे वो लाइट के आर्टिस्ट हों, क्लासिकल के आर्टिस्ट हों, कैरियोके पे गाते हों, फिल्मों में गाते हों, कहीं भी परफॉर्म करते हों, उनका जो मानसिक सोच है वो जितनी अच्छी होगी, जितना वो एटमोस्फेयर को समझ पाएंगे उतना वो अच्छा, उनको अप्रिसिएशन मिलेगा, उनकी लोग तारीफ करेंगे। तो यही बात एक आर्टिस्ट में पूर्णता लाने में तमाम जिंदगी लग जाती है। और इसमें यही खुशी की बात है कि एक आर्टिस्ट के लिए ये स्कोप रहता है कि वो सारी जिंदगी सीखता रहे, अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ता रहे, अच्छी अच्छी कला की बातों को समझता रहे। ऐसा स्कोप एक आर्टिस्ट के जीवन में सदा बना रहता है और यही एक आर्टिस्ट का
एक संगीतकार का ये नसीब है कि उसको एक क्रिएटिव फील्ड मिला जिसमें वो अपने जीवन पर्यंत खुश रह सकता है और अपने आप में आनंदित हो सकता है और उस आनंद को वो सभी में बांट भी सकता है। तो इसी बात से मैं अपने ये वाणी को विराम देता हूँ। तो यहीं पर हम इस सेशन को, तो आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।